अमृतसर में पुरानी रंजिश के चलते अज्ञात हमलावरों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक हीरा की 4 साल पहले किसी के साथ लड़ाई हुई थी, जिसे लेकर हीरा ने उन लोगों को सजा दिलवाई थी। इसी बात की रंजिश रखते हुए उन लोगों ने हीरा पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस मामले की जानकारी मिलते ही SHO सतनाम सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक के परिजनों ने मामले की पूरी जानकारी हासिल की है, जिसके तहत उन्होंने धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अमृतसर से हलचल के लिए धर्मवीर गिल की रिपोर्ट। हीरा सिंह नु कुछ व्यक्तियों ने सट्टा मार दितियां ने, जो उस वेले उन्हें सिविल अस्पताल लेके जाया गया, तो सिविल अस्पताल डॉक्टर ने उन्हें मृतक घोषित किया। तो जो मदई राणी पत्नी दलेर सिंह के बयान के उत्ते मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया वा, तो जिदी अगर तफ्तीश की जा रही है, तो जिन्हों के नाम उन्होंने FIR के दर्ज कराए ने, उन्होंने बारे तस्दीक की जा रही है। जैसी भी कार्रवाई अगर अमल में आएगी तफ्तीश की जाए। जो बयान के मुताबिक इन्होंने दसा कि इन्हों का तकरीबन 4 साल पहलों अगे भी झगड़ा होया सीगा, तो परचा दर्ज होया सीगा, जो दोषी पहलों बरी हो चुके सन, तो उस रंजिश के तहत फिर दोबारा झगड़ा होया, तो जिद कारण हीरा सिंह की मौत हुई है, जिसका पोस्टमार्टम करवा के लाश जी वारसों के हवाले कर दी गई है।